हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम देखेंगे मटन कढ़ाई रेसिपी। और आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर ले फॉर मोर अपडेट्स। ये हमने 400 ग्राम मटन लिया है विथ बोन, आप चाहे तो बोनलेस भी ले सकते हैं। और ये हमने 2 मीडियम साइज़ के प्याज ली है जिसे रफली चॉप्ड कर लिया है। 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हैं जिसे बारीक चॉप कर लिया है। आधा कप हरा धनिया, आधा कप दही जिसे मैंने अच्छी तरह से बीट कर लिया है, कोई भी लम्ब्स नहीं रखा है। और 3 हरी मिर्च का यूज़ करेंगे। 1/4 टेबलस्पून हल्दी पाउडर, आधा टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, नमक एज़ पर टेस्ट, 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 2 टेबलस्पून हम ये मटन कढ़ाई मसाला यूज़ करेंगे जिसे मैंने घर पे बनाया है होममेड। और अब हम एक पैन गरम कर लेंगे और उसमें 2.5 बड़े चम्मच तेल ऐड कर लेंगे। और तेल जब अच्छा गरम हो जाए तब हम इसमें मटन ऐड कर लेंगे। और 2 से 3 मिनट हम इसे हाई फ्लेम पर भुनेंगे। गोश्त का कलर देखिए वाइट हो जाएगा इस तरह से। और अब हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर लेंगे और फिर से 1 से 1.5 मिनट के लिए भून लेंगे ताकि जो अदरक लहसुन का कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए और अदरक लहसुन अच्छी तरह से भुन जाए। देखिए मैंने 1 से 1.5 मिनट इसे भून लिया है हाई फ्लेम पर। अब हम इसमें कटी हुई प्याज ऐड कर लेंगे। कटे हुए टमाटर ऐड कर लेंगे। हल्दी पाउडर ऐड करेंगे। मिक्स कर लेंगे। टमाटर में भी पानी रिलीज़ होता है तो इसमें मैंने पानी का यूज़ नहीं किया है अभी फ़िलहाल। भूनते वक्त पहले मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी, फिर हम इसमें नमक और लाल मिर्च पाउडर का भी यूज़ करेंगे। देखिए इसे हल्का सा मैंने मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें नमक ऐड कर लेंगे। मिक्स कर लेंगे। साथ में लाल मिर्च पाउडर भी ऐड कर लेंगे। मिक्स कर लेंगे और 1 मिनट तक हम इसे इसी तरह से भून लेंगे हाई फ्लेम पर। देखिए 1 मिनट तक मैंने इसे भून लिया है। अब हम इसमें 1 ग्लास पानी ऐड कर लेंगे ताकि हमारे जो प्याज और टमाटर है और गोश्त है वो अच्छी तरह से टेंडर हो जाए। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे पानी डालने के बाद। और अब हम इसे ढक्कन ढककर 20 से 22 मिनट तक मीडियम टू लो फ्लेम पर पकने देंगे ताकि अच्छी तरह से सभी चीज़ें टेंडर हो जाए। बीस से 22 मिनट बाद देखिए इस तरह से मैंने ओपन किया है और इसमें अभी भी पानी है, लेकिन हमारे जो प्याज टमाटर है वो अच्छी तरह से देखिए घुल गए हैं। और गोश्त भी टेंडर हो गया है। अब हम इसे हाई फ्लेम पर पकने देंगे। साथ में इसमें हरी मिर्च ऐड कर लेंगे। बीच में से मैंने कट कर लिया है हरी मिर्च को। यहाँ पर हम 2 टेबलस्पून जो हमने मटन कढ़ाई मसाला बनाया था वो ऐड करेंगे।
मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो आप इसे घर पर भी बनाकर स्टोर करके रख सकते हैं, और जब भी मटन कढ़ाई, चिकन कढ़ाई या पनीर कढ़ाई बनाएं तो आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और हाई फ्लेम पर हम इसे पकने देंगे। जब तक कि इसमें से तेल नहीं रिलीज़ हो जाता है, हम इसे हाई फ्लेम पर इस तरह से पकने देंगे। और देखिए तेल जिसमें से रिलीज़ हो गया है। और ये अच्छी तरह से भुन गया है सब कुछ चीज़ें। अब हम इसमें दही ऐड कर लेंगे। दही ऐड करते वक्त गैस की फ्लेम लो रखें और दही को आप अच्छे से बीट करके यूज़ करें, वरना उसके लम्ब्स दिखेंगे। और अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे और दही से भी पानी रिलीज़ होता है, तो हम फिर से इसे हाई फ्लेम पर तेल छूटने तक पका लेंगे। और देखिए मैंने तेल छूटने तक इसे अच्छी तरह से पका लिया है। अब हम इसमें कटा हुआ हरा धनिया ऐड कर लेंगे, मिक्स कर लेंगे और हमारा मटन कढ़ाई पककर रेडी हो गया है। आप इसे इसी मेथड से ज़रूर ट्राई करें। अब हम इसे सर्व कर लेंगे, गैस की फ्लेम को बंद कर लेंगे और आप इसे रोटी, चपाती, पराठा या प्लेन राइस के साथ सर्व करें। देखिए बहुत ही टेस्टी मटन हमारा बहुत ही अच्छे से टेंडर हो गया है और इसमें से बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। आप इसे इसी मेथड से ज़रूर ट्राई करें। और आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना भी ना भूलें। थैंक्स।